हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ क्लास में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने अनलाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरह किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को हम समझ सकते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन सा ग्रेटेस्ट है। आज हम लोग जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और आज ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ऐसा लॉजिक लेके आया हूँ जो बहुत ही नया है, बिल्कुल ही नया है। और उस लॉजिक से, कॉन्सेप्ट से आप सिर्फ ना ही कुछ सेकंड के अंदर ही उसका आंसर निकाल पाएंगे, बल्कि उसको दो तीन लाइन के अंदर भी आप लोग निकाल पाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं। ये दो अनलाइक मैंने फ्रैक्शन लिया है, 4/5 एंड 1/3। ओके, इसको हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है। आपको पहला काम क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उसको आपको देखना है दोनों को प्राइम है कि नहीं है, या दोनों किसी के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखें कि ये दोनों ही क्या है, को प्राइम है, किसी के टेबल में दोनों नहीं आता है एक साथ। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, अगर को प्राइम हुआ तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे। तो 5 थ्री कितना हो गया, 15। इसको इसको मल्टीप्लाई करके आप यहां लिखेंगे 12, और इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे 5। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 17/15। ओके, यानी 17 के को क्या करना है, 15 लोगों में डिवाइड करना है। तो आप बोलेंगे इसमें ये तो 15 से ज्यादा है, तो 15 इसमें से निकालेंगे तो हर एक को एक एक मिल जाएगा। तो यहां से मिल गया होल पार्ट कितना मिल गया, 1। 15 17 में से 15 को निकाल दिए तो अभी भी दो पार्ट दो केक बच गया है जो 15 लोगों में डिवाइड करना है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, 15 लोगों में डिवाइड करके देना पड़ेगा, यानी हर एक आदमी को कितना मिल जाएगा, 1/2/15 मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आप जो को प्राइम नंबर दिया रहेगा, इस तरह से आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ओके, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 + 1/10। ओके, यहां देखिए ये दोनों ही क्या है, को प्राइम नहीं है। ओके, ये दोनों को प्राइम नहीं है, ये भी 2 का टेबल में आता है, ये भी 2 का टेबल में आता है। आपको यहां पर क्या करना है, जिसके टेबल में आता है उससे इसको डिवाइड कर दी यहां पर। तो ये 2 से गया 2 टाइम्स में, ये 2 से गया 5 टाइम्स। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजी और इजीली आप लोग निकाल पाएंगे। पिछला जिसका क्वेश्चन बताया था इसको भी आप निकाल पाएंगे। देखिए आप दोनों को डिवाइड किए, अब आप क्या करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा कितना हो गया 10, और जिससे डिवाइड किए हैं उससे भी मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो 10 2 जा कितना हो गया 20, यहाँ पर कितना हो गया 15 2 17, 17/ कितना हो गया 20 हम लोग का आंसर हो गया। ओके, क्लियर है, इजिली आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका पीछे का लॉजिक क्या है, इसका पीछे का लॉजिक आप लोग समझना है तो इस चीज को समझ लीजिए, लॉजिक को, कि 4 और 10 को आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, लोगों को सेम करना है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन होगा तभी आप ऐड कर पाएंगे। तो आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम में क्या किया जाता है कि ये इसका और इसका दोनों को डिवाइड करके उसका देखा जाता है कितना टाइम्स आ रहा है जो नंबर। तो यहां से क्या हुआ, हम क्या किए, इसको देखे कि दोनों में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन पार्ट होता है एक ही बार लिया जाता है, तो जो कॉमन पार्ट है उसको हटा देते, इसमें भी 2 कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था, उस 2 को हटा दिए, उस 2 को जो है क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा अब जो है, क्योंकि जो है इसका एलसीएम जो होगा वो 20 होगा। अब देखिए दोनों का एलसीएम 20 होगा, तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 5 ही बचेगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचा, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है, आइए समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग समझ चलते हैं। यहां देखिए मैंने 3 फ्रैक्शन लिया है, तीनों फ्रैक्शन को ऐड करना है। नीचे का तीनों ही देखिए, तीनों क्या है, को प्राइम है, किसी का टेबल में नहीं आ रहा है। अब यहां पर आप क्या करेंगे, वही जब को प्राइम है तो तीनों को मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना हो जाएगा 20 20 से यहाँ 3 60। ओके, अब इसको छोड़ के ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वाला में क्या करेंगे, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 और 15 3 कितना हो जाएगा 45।
फिर 5 को छोड़ेंगे, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 12 इंटू 3 कितना होगा 36। फिर 3 को छोड़ेंगे, 5 इंटू 2 4 कितना हो गया 20, 20 इंटू 1 कितना हो गया 20। अब इसको प्लस कर देंगे, यहाँ से प्लस करने से कितना आएगा 1, यहाँ पर 3, 3 3 6, यहाँ से आ गया हम लोग का 101 डिवाइडेड बाई 60। तो 101 केक को 60 लोगों में डिवाइड करना है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से 60 हटा सकते हैं, तो 60 को हटाएंगे तो हर एक को एक एक मिल जाएगा। अब बाकी कितना बचेगा 41, तो 41 को भी फिर क्या करने पड़ेगा, 60 लोगों में डिवाइड करके जो आएगा तो हर एक को कितना मिलेगा 1 केक, और 41 का 60 लोगों में डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो मिलेगा। ओके क्लियर है? तो देख रहे हैं इजिली आप किसी भी फ्रैक्शन का 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, इस तरह को प्राइम दिया रहे या को प्राइम नहीं दिया रहे, तो इजिली आप लोग जो है कुछ लाइन में, 2-3 लाइन में कुछ सेकंड के अंदर आप लोग निकाल पाते हैं। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको ऐड करना है। ओके यहाँ देखिए, यहाँ हर एक आदमी को 4 केक मिल रहा है, यहाँ पर हर एक आदमी को कितना मिल रहा है 6 केक मिल रहा है। ओके तो जब डिनोमिनेटर सेम भी करेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर हर एक आदमी को 4 ही मिल रहा होगा, यहाँ पर हर एक आदमी को 6 ही मिल रहा होगा। ओके तो ये दोनों चेंज नहीं होगा, तो ये 4 और 6 को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ गया हम लोग का 10। ओके अब हमको सिर्फ क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में सिर्फ फ्रैक्शन को प्लस करना है, जो हमको जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से करना है, बाकी जो नंबर को 4 और 6 जिस तरह प्लस करना है, क्योंकि यहाँ से भी जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो यहाँ से भी 4 ही आएगा हर एक को मिलेगा, यहाँ से 6 ही मिलेगा, तो 6 मिला यहाँ से होल, यहाँ से 4, यहाँ से 6, तो टोटल कितना मिल गया होल 10 मिल गया हर एक को। अब यहाँ से देखिए इस दोनों को हमको प्लस करना है 1/2 1/4 को, देखिए 1 2 भी 2 और 5 दोनों ही क्या है को प्राइम है। अब क्या करेंगे, इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 and 7/10 हम लोग का हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना इजी आसानी से कुछ सेकंड के अंदर आप लोग निकाल पा रहे हैं। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। थ्री एन टू बाई थ्री फोर एन फाइव बाई टू सेवन एन 11/5। ओके अब देखिए 3 4 7 है, सबको प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 7 7 14 हो गया। ओके अब यहाँ से देखिए 3 2 और 5 ये तीनों ही क्या है को प्राइम है, तो अब क्या कीजिएगा आप, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा तो 6 6 30 हो गया, 3 को छोड़ दीजिएगा तो यहाँ से 10 10 into 2 कितना हो गया 20, 2 को छोड़ दीजिएगा तो 5 into 3 15 15 into 5 कितना हो गया 75, और 5 को छोड़ दीजिएगा 6 6 into 11 कितना हो गया 66। अब इसको क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 carry 1, यहाँ आ गया 14 14, यहाँ से 2 160, 14 and 1/16 30, 14 and 161/30, यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से 30 का कितना पार्ट आप निकाल सकते हैं, तो 5 पार्ट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 5 निकला, यहाँ से जो है 150 निकालेंगे तो हर एक को फिर 5 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर पहले से कितना मिल रहा था 14, तो 14 और उधर से 5 कितना हो गया 19, बाकी कितना बचा 11 बचेगा, 150 निकाल दिए तो कितना बचा 11, तो 11 को फिर क्या करना पड़ेगा 30 पार्ट में डिवाइड करके भी देने पड़ेगा लोगों को, यानी कितना हो गया 19 and 11/30। ओके क्लियर है? देख रहे हैं बहुत आसानी तरीके से आप लोग इजी आप लोग निकाल सकते हैं आसान तरीके से। ओके आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग माइनस वाला लेते हैं। देखिए इसको क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है, तो क्या है माइनस करना है, तो फिर दोनों ही क्या है चेक करना है आपको, प्राइम है को प्राइम है या नहीं है, तो को प्राइम है, तो क्या कीजिएगा दोनों मल्टीप्लाई 15, इसको मल्टीप्लाई 9, इसको मल्टीप्लाई 5, यानी कितना हो गया आपको 4/15 आपका हो गया आंसर। ओके देख रहे कितना आसानी से आप लोग निकाल पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को लेते हैं। 5 and 3/5 - 2 and 1/10। ओके अब देखिए 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, हट गया वो। अब यहाँ से देखिए ये दोनों क्या है को प्राइम नहीं है, ये 5 से 1 टाइम्स में जाएगा, ये 5 से 2 टाइम्स में जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई 1,
फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जिससे काटे हैं उससे मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2 और 2 से फिर 5 से डिवाइड किए थे तो 5 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से कितना हो गया 5 by 10, तो 5 से ये 1 टाइम्स में जाएगा 2 टाइम्स में, यानी कितना हो गया 3 and 1 by 2 हम लोग का हो गया यहाँ से आंसर। देख रहे कितना आसानी से हम लोग जो इस सारी चीजों का आंसर निकाल पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो है जो जिस टाइप का भी क्वेश्चन दिया रहे आप इजिली इस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसका फिर आगे का चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।